हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिवाइंड करेंगे एक क्लच वाली मोटर। ये देखिए, ये क्लच वाली वो मोटर है, हमने इसको खोला हुआ है। ये है इसकी कंपनी का नाम, गोल्डन रिच। आउटपुट वाट है 400 आरपीएम है, 2850 वोल्ट्स, 220 एम्पीयर, 2.8 सिंगल फेस पर ये वर्क करती है। साफ साफ मेंशन किया हुआ मेड इन चाइना। सो फ्रेंड्स, ये है क्लच वाली मोटर। ये देखिए, जहाँ पर होता है इसका क्लच, ये जहाँ पर लेदरेट जो होता है ब्रेक लगाता है, और ये होता है इसका क्लच का सिस्टम जहाँ से फ्री हो जाती है। इस तरह से ये वर्क करती है। और ये है इसका अंदर वाला पार्ट, ये है इसका रोटर, सॉरी जी एक्स्ट्रा डाला हुआ, ये है इसका होल। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका स्टेटर। सो गाइस, ये है इसका स्टेटर, मेड इन चाइना। ये देखिए कितनी अच्छी वाइंडिंग है। कौन कहता है चाइना वाले वाइंडिंग सही नहीं करते, बहुत अच्छी वाइंडिंग करते हैं। ये देखिए कितनी सफाई है इनके काम में। कॉइल देखो कितना पूरा कॉइल डाला हुआ है, बिल्कुल छोटा। ऊपर चार का सेट है, मे भी नीचे भी चार का ही सेट होगा। सो गाइस, हम करेंगे इसको रिवाइंड। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद फिर इसका क्वाइल डालेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं इस मोटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने वर्किंग काउंटर पर। ये हमने स्टेटर को दे रखी है, बेंच प्रेस में बांध लिया है। अगर आप भी ऐसी बेंच प्रेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे अमेजोन का जो शॉप पेज है उसको विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है स्टेटर वही सीवी मशीन का, जिसको हिंदी में सिलाई मशीन कहते हैं। ये क्लच वाली एक सिलाई मशीन है, 24 इसके स्लॉट हैं, इसके 2800 आरपीएम होंगे, दो पोल में ये मोटर वाइंड होगी। चार चार का सेट बनेगा, नीचे डलेगा, चार चार का सेट ऊपर डलेगा, दो क्वाइल चार चार के नीचे डलेंगे, दो ही क्वाइल ऊपर डलेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी कोर की मेजरमेंट करते हैं। कोर लेंथ है इसकी 1 इंच 5 सूत। इनर डाया देख लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट 3 इंच, और आउटर डाया है अप्रोक्सीमेट 5 इंच। स्लॉट है इसके 24। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वाइल डालने स्टार्ट। ये देखिए चार का सेट मैंने बना लिया है। आप इस तरह से उठाइए, ये लेफ्ट वाला सिरा रखिए, पिच रखेंगे हम 6 8 10 12, 6 8 10 12 पिच रखने के लिए हमें बीच में चार स्लॉट खाली छोड़ने पड़ेंगे। अभी फिर इसको हम ऐसे ही उठाएंगे, इस तरह से डालिए इसका सेकंड क्वाइल। टोटल क्वाइल डालेंगे नीचे रनिंग में 4 और 4 8, एक साइड पे 4, दूसरी साइड से 4। ये एक हाई स्पीड मोटर होती है।
जी हम तीसरा कॉल भी ऐसे ही उठाएंगे। ये देखिए जैसे हमने अपना पहला क्वाइल डाला था उसमें हमने चार स्लॉट खाली छोड़े थे, 1 2 3 4 5 6 6 पिच बन गई। फ्रेंड एक बार फिर से डिटेल में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसकी रनिंग की पिच है, 1 से 8 1 से 10 सॉरी 1 से 6 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12 24 स्लॉट है इसके। ये जो सीविंग मशीन की मोटर्स आती हैं इनमें दो तरह के स्लॉट होते हैं, ये टाइट स्लॉट वाली मोटर है, एक इससे लूज स्लॉट्स भी आते हैं, उसका डाटा इससे अलग होगा। पहले आप इसको पूरी तरह से चेक कीजिए आपकी मोटर कौन सी है, फिर ये डाटा डालिए। कोर लेंथ आप मैच कीजिए इससे और इसके स्लॉट देखिए बहुत ही कम जगह वाले हैं, टाइट स्लॉट है काफ़ी। अगर आपकी मोटर भी टाइट स्लॉट वाली है तभी इसमें मुझे डाटा डालना है, अगर आपकी मोटर लूज स्लॉट्स वाली है जैसा कि ये देखिए ये लूज स्लॉट है और ये देखिए ये लूज है ये टाइट है, दोनों में आप डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स हमारा रनिंग का पहला क्वाइल जो है लगभग डल चुका है। सो ये देखिए हमारा रनिंग का फर्स्ट क्वाइल देखिए पूरी तरह से अप्रॉक्सीमेट डल चुका है। अभी नेक्स्ट बारी आएगी इसके सेकंड क्वाइल की, मैं उसको बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स अभी बनाते हैं इसके क्वाइल, साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्वाइल बनते हैं। ये मेरे पास ये देखिए बेकलाइट की शीट है, ये है इसके फरमे, ये वुड के ही हैं, इस बार बेकलाइट के नहीं है मेरे पास इसके फरमे। दो नंबर ये 10 पिच का, ये 12 पिच, हम लगाएंगे ऊपर 25 नंबर,
जी हमारा सेकंड कॉइल भी बन गया। ये हो गया हमारा 8 पिच का, अभी बनेगा 6 पिच का। सो फ्रेंड्स, ये बन गए क्वाइल, अभी इनको उतारते हैं। 4 क्वाइल हमने इकट्ठे बना लिए। सो ये देखिए, बैकलाइट के फरमे से क्वाइल उतारने थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन जब वुड के फर्म होते हैं इनमें थोड़ा सा कॉइल उतारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कितना फर्मा बना लेंगे बैकलाइट का, सो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए साइज की प्रॉब्लम आ जाती कई बार, फिर वही सूट करता है जो कॉइल बन गया। सो गाइस, करते हैं नेक्स्ट कॉइल डालना स्टार्ट। वैसे सेट वाइंडिंग से सफाई काफी आती है, मेहनत ज्यादा लगती है, हार्डवर्क थोड़ा होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। इसमें हम 1, 2, 3 स्लॉट छोड़ेंगे जहां स्टार्ट करेंगे। बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिच है इसकी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। सो फ्रेंड, रनिंग में यही पिच रखिए और रनिंग में टर्न डालिए आप। 1 से 4 पिच में 30, 1 से 6 पिच में 40 और 1 से 8 पिच में 70 और 1 से 10 पिच में भी 70। और रनिंग का जो तार नंबर होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, वो रहेगा 23 नंबर। तो ये 100% यूज़ किया हुआ डाटा है, बिल्कुल सही तक चलेगा, निश्चिंत होकर डालिए। और फ्रेंड, आप जब भी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट का नाम है motorcoilwindingdata.com। वहाँ पर आपको इसका पूरा डाटा का डिटेल मिलेगा, पूरी टर्न लिखी होंगी, सब कुछ लिखा होगा वहाँ पर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, हमने आप ही के लिए वेबसाइट बनाई है। हम उसका जो रेंट है मंथली, वो भी पे करते हैं, होस्टिंग भी उसकी यूजेबल है, सब कुछ, लेकिन आपके लिए सब कुछ फ्री है। आप अगर हो सके तो वहाँ पर कोई भी ऐड चलती है, ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उससे हमें आपके आपसे बहुत कुछ मिल जाएगा। उसी से सिर्फ आप हमारे लिए अगर कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए। कोई भी ऐड वहाँ पर दिखे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जब भी राइट साइड में कोई ऐड चल रही हो, जहाँ ऊपर या नीचे, उस पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ही वैल्यू वहाँ पर रखेगा। सो इससे हमारा भी जो टीम का खर्चा है वो भी चलेगा और आपको भी आगे और बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज़, जब भी आपको कोई डाटा वहाँ से बिल्कुल सही मिले तो एक ऐड पर क्लिक करके जरूर जाइए। सिर्फ ऐड पर आपने क्लिक करना है, बाद में चाहे वापस आ जाइए। सो फ्रेंड, ये थी छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जरूर साथ देंगे
और जरूर सहयोग देंगे आप। फ्रेंड डाटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रनिंग का पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 और रनिंग की टर्न है 30, 40, 70, 70। मैं हर एक वीडियो में पूरा डाटा प्रॉपर बताता हूँ, जो कमी रह जाती है वो वेबसाइट पर डालता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कुछ फ्रेंड नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं भाई इसमें तार नंबर कौन सा डाला है, कितनी टर्न डाली है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको क्यों नहीं पता लगा कि मैंने कौन सा डाटा अंदर बताया हुआ है। इसका मीन्स यही होता है कि आपने वीडियो नहीं देखा और आप वीडियो देखना भी नहीं चाहते और सिर्फ डाटा चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा ही चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। वीडियो से तो आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, आपको इसका ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे आपने इसको वाइंड करना है। सो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको भी अच्छी तरह से ये काम है जो स्टेटर वाइंड करने का, अच्छी तरह से आप भी सीख सको। सो फ्रेंड मेरे लिए हर एक फ्रेंड को पर्सनली आंसर देना कमेंट बॉक्स में मुश्किल होता है कि कितनी टर्न इसमें है, कितना डाटा है। सो इसलिए आप जब भी देखो वीडियो देखो, वीडियो हर एक वीडियो में मैं टर्न डेटा तार नंबर सब कुछ बताता हूँ प्रॉपर। फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं भाई इसमें तार नंबर कौन सा डाला है, इसमें टर्न कितनी डाली है इस मोटर में। हमारा रनिंग का पार्ट अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है, अभी बारी आएगी स्टार्टिंग की। इसमें लगाते हैं पहले टेप। जी देखिए कितनी अच्छी वाइंडिंग हुई है इसकी, फिनिशिंग देखिए आप। सो गाइस अभी बारी है स्टार्टिंग की। सबसे पहले आप कीजिए इसके यू नीचे, ये पत्ती से जैसे उठाइए ये लेफ्ट वाला सिरा, थोड़ी सी स्टार्टिंग वाइंडिंग टाइट है लेकिन कोई बात नहीं। जैसा रनिंग में 4 सेट डले थे
ऐसे ही स्टार्टिंग में भी चार सेट डालेंगे ऊपर। पिच भी रनिंग की सेम, स्टार्टिंग की सेम रहेगी रनिंग की तरह ही। जो मेरा लाइनर बफ किया हुआ है इससे कोई स्क्रैच नहीं डलेगा। मैं हर एक वीडियो में ये बताता इसलिए हूँ कि कुछ फ्रेंड्स के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि आप स्क्रू ड्राइवर से क्वाइल डाल लें। अरे भाई, मैं स्क्रू ड्राइवर से कभी क्वाइल नहीं डालता। ये दिखने में स्क्रू ड्राइवर है लेकिन इसको मैंने सेट किया हुआ अपने हिसाब से। नीचे हमने जो पेपर डाले हैं वो क्रैम्पल शीट के डाले हैं। और ऊपर जो जू डाले हैं वो 7 नंबर पेपर के डाले हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग थोड़ी सी टाइट है रनिंग के अकॉर्डिंग, सो घबराए नहीं। अच्छा मैकेनिक वही होता है जो हर एक परिस्थिति से लड़ जाए। सो जब भी टाइट वाइंडिंग हो उसको धीरे से डालिए, कभी भी उसको जल्दबाजी में धक्के से मत कीजिए, तब वायर को स्क्रैच होगा। जितनी मर्जी टाइट हो मोटर उसको स्मूथली बिल्कुल प्यार से राम राम से, ज़्यादा टाइट है थोड़ी कम टर्नें डालिए, थोड़ी थोड़ी टर्नें डाल के कॉइल को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से चलिए, जो पहाड़ था वो पार हो गया, टाइट कॉइल दो डल गया, अब ऊपर वाले ये तो आराम से डल जाएंगे। क्वाइल चाह रहे हैं आपने ऐसे ही क्वाइल डालने जैसे नॉर्मल क्वाइल डालते हैं, क्वाइल को उठाई जाना है, उठा के वैसे ही रखी जाना है, ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है उसको क्वाइल को, नहीं तो क्वाइल उल्टा डल सकता है। अभी डल रहा है इसका लास्ट कॉइल,
दोस्तों हमारा फर्स्ट कॉइल डल गया है, अभी डालेंगे इसका सेकंड कॉइल और लास्ट कॉइल। इसका स्टार्टिंग का फ्रंट डेटा इस तरह से पिच रखी है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। और स्टार्टिंग में नंबर डालिए, स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर जो होगा 30 होगा, और 1 से 6 पिच में इसकी टर्न होंगी 30, और 1 से 8 पिच में होंगी 40, और 1 से 10 पिच में होंगी 80, और 1 से 12 पिच में होगी 100 टर्न 100। तो ये था इस मोटर का फाइनल डाटा। पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए motorcoilwindingdata.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, सो वहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए, जब भी आपने क्वाइल डालने हैं इसको ऐसे ही उठाना है, ऐसे उठा के जाना है, ऐसे उठाना है, ये नहीं ऐसे उठाया तो ऐसे घुमा दिया, इस तरह से सीधा ही रखना है। जैसे ये देखिए, ये इसका लेफ्ट सिरा है, इस तरह से आपने डालना है लेफ्ट को, इसको ऐसे नहीं घुमाना है, सीधा रखेंगे सीधा चलेगा। अगर एक भी क्वाइल आपका उल्टा डल गया इसमें तो बहुत परेशानी होती है, मोटर हीट होने लग जाएगी और उसके आरपीएम भी कम हो जाएंगे। इसमें एक कॉइल उल्टा डल गया, बहुत परेशानी। सेट वाइंडिंग में प्रॉब्लम ही यही होती है कि अगर आपसे एक कॉइल भी उल्टा कहीं डल गया तो मोटर फिर कम ही चलती है। जो पहले दो क्वाल थोड़े से टाइट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डालने तो पड़ेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का डाटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग की पिच रखिएगी आप 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, सॉरी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12।
6 पिच में 30 टन, 8 पिच में 40 टन, 10 पिच में 80 टन और 12 पिच में डालिए 100 टन। और स्टार्टिंग का तार नंबर रखिए 25। सो पूरा डाटा जानने के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए motorcoilwindingdata.com और वहां पर मिलेगी आपको पूरी डिटेल। हम डाल रहे हैं इस सीवी मशीन की मोटर का थर्ड कॉइल। ये 2800 आरपीएम की मोटर है जो कि हाई स्पीड होती है। एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बिकॉज अगर हम वीडियो छोटा करते हैं फिर बीच में कॉइल हमें कटने पड़ेंगे। और पहला जैसे मैं करता था दो पार्ट्स बनाता था इसके, फिर कुछ फ्रेंड्स को सेकंड वाला पार्ट नहीं मिलता था तो वो नीचे लिखते कि आप इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देते, आधी दे रहे हो। हालांकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो होता था वो उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही होता था, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों कुछ भाइयों को नहीं मिलता था वो वीडियो। सो आने वाले दिनों में आप हमें सुझाव दीजिए कि हम अपने चैनल में और बेहतर आपके लिए कैसे कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी है हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अक्टूबर मंथ में बनने वाला है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख के, कौन सी स्टेट से हैं सब कुछ लिख के आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जब भी व्हाट्सएप ग्रुप हम चलाएंगे उसमें आपको ऐड कर लीजिए। सो गाइस हमारी वाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। कनेक्शन आपको थोड़े से मैं बता देता हूँ। ये देखिए जो स्टार्टिंग किए हैं चार वायर लेफ्ट बैक नेक्स्ट नेक्स्ट बैक, बैक को आप बैक से जॉइंट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। इधर भी इसकी हैं जे बैक और जे नेक्स्ट, जे बैक और जे नेक्स्ट।
जी नेक्स्ट नेक्स्ट जी। देखिए जी हो गए रनिंग के दोनों, इसमें रेड वायर लगेगी, इसमें भी रेड वायर लगेगी, इसमें ब्लैक वायर लगेगी और इसमें भी ब्लैक वायर ही लगेगी, दो ब्लैक और दो रेड वायर। सो इस तरह से आपकी ये कनेक्शन हो सकता है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रॉपर कनेक्शन आपको बता दूं और हो मे बी इस मोटर को मैं फिट करके आपको चला के भी दिखाऊंगा इसकी पूरी थ्योरी। अगर मेरे पास टाइम सेव रहा तो मैं ऐसा काम बिल्कुल आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नीचे लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर भी एक ऐड पर जरूर क्लिक कीजिए। कम से कम एक ऐड पर जरूर क्लिक कीजिए जब भी आप वहाँ पर एक डाटा ढूंढते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।